नमस्कार। सर्दियों की जो है अभी स्थिति बढ़ रही है और खेतों में जो है वो किसानों को एक चिंता सता रही है कि अब सर्दियों में क्या करें, पाला पड़ सकता है और पाला जब पड़ जाए तो फिर फसल जो है एक रात में ही खराब हो सकती है। ऐसी संभावनाओं को लेते हुए हम यहाँ पर कृषि विभाग में आए। कुलदीप जी हमारे साथ हैं, सहायक निदेशक कृषि के रूप में आप कार्य देख रहे हैं। तो कुलदीप जी, क्या इस समय किसानों को ध्यान रखना चाहिए, क्या एडवाइजरी जो है वो सरकार के द्वारा लगाई गई है, बताई गई है, और किस प्रकार से वो अपनी फसलों को बचा सकते हैं? वो बहुत बढ़िया आपने बात पूछी, क्योंकि किसानों के लिए ये सबसे रबी फसल में सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली होती है कि फसलों को पाले से बचाओ, क्योंकि पाले से अधिकतर रबी की फसलों में नुकसान, हर वर्ष कुछ न कुछ नुकसान अवश्य होता है जी। तो इसके लिए किसानों को क्या कुछ पहले से अपने को देखभाल रखनी होती है कि जैसे सरसों की फसल है और चना की, इन फसलों में थोड़ा पानी से ज़्यादा नुकसान होता है अन्य फसलों की कंपेरिजन। जिसके पत्तों की चौड़ाई ज़्यादा होती है उनमें नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके ऊपर पानी और बर्फ़ की मात्रा जो ठहरने की या उनकी कोशिकाएं होती है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से होता है। वास्तविक में पाले से फसल में नुकसान का मुख्य कारण जो अपना जो वैज्ञानिक दृष्टि से उसमें क्या होता है कि अपने प्रत्येक जो पौधे की जितनी कोशिकाएँ होती है, कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य होता है, उसमें क्या होता है कि जब टेम्परेचर कम होता है उसमें, तो उसमें बर्फ़ जब जमती है तो बर्फ़ का आयतन सामान्य पानी से ज़्यादा होता है, तो वो उसके अंदर बर्फ़ जम जाती है कोशिका के सेल वाल्व जो बोलते हैं, सेल वाल्व फट जाती है उसकी, उसमें बर्फ़, जैसे किसी चीज़ में पानी डाल के रखेंगे एक गिलास में और अगर उसको बर्फ़ जमाएंगे तो वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि बर्फ़ का आयतन ज़्यादा होता है, तो इसलिए उन कोशिका भित्ति फट जाती है। फटने से जैसे कोशिका मतलब खत्म हो जाती है, कोशिका खत्म तो जीवन खत्म, कोशिका पर ही अपने जीवन की इकाई होती है और वो फसल वहाँ फसल है वहाँ धीरे 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 वो जिस कोशिकाएं फटनी चालू हो जाती है वो धीरे धीरे फसल वो मुरझाने लग जाती है, वो खत्म हो जाती है। ये तो उसका मुख्य कारण हो गया। अब उनको बचाने के लिए हमें क्या करना होता है, एक तो मुख्यतः होता है कि अपने को सिंचाई करनी, शाम के समय हमें हल्की सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई करने से क्या होता है, उसका पानी है उसमें रोटेशन चलता रहेगा, उसमें थोड़ी सी गर्माहट आएगी पौधे में, उससे वो क्या बर्फ़ जम नहीं पाएगी, स्थिति वो चलता रहेगा, सेल अंदर साइटोप्लाज्म जो होता है वो भी थोड़ा बहुत मूवमेंट होता रहेगा, उससे क्या उसमें जमती नहीं है। एक तो ये शाम के समय हल्की सिंचाई करें, उसके अलावा सुबह के समय प्रातःकाल में लगभग 2 बजे से 4 बजे 6 बजे के बीच में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा डाउन आता है, उस समय हमें घास फूस जो होता है अपना कूड़ा करकट वो अपने खेत की मेड़ों पर अपने जलाया जाए, चारों तरफ जलाए जाए, ज्यादा बढ़िया है। उत्तरी सीमा को जितना उसके ज्यादा ठंडक करेंगे ज्यादा तो आती, उससे क्या है वहां जलाएंगे तो वो धुआं ऊपर आच्छादित हो जाएगा, उससे क्या है कि अपना जो टेम्परेचर है वो नीचे 2-3 डिग्री और बढ़ जाएगा, अपना ऊपर के टेम्परेचर उसमें इतना बढ़ जाएगा, ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जैसे एक सल्फ्यूरिक एसिड होता है, गंधक का तेजाब जिसको बोलते हैं, उसका उपयोग भी करने से क्या होता है कि फसल के अंदर गर्माहट आती है। उसका कैसे उपयोग, उसका उपयोग करने के लिए उसका 0.1% इस्तेमाल करना होता है, बहुत कम मात्रा में, 1 ml 1 लीटर पानी में, ठीक है, उसको आप घोल बना के 1 लीटर पानी लो, उसके अंदर 1 ml वो डालो सल्फ्यूरिक एसिड और फसल में छिड़काव कर दो, 15-15 दिवस के अंतराल में हम उसको छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कि 1 लीटर पानी मतलब 1000 लीटर पानी में और 1 लीटर गंधक का तेजाब आप मिला दीजिए, वो आपको 4 बीघा के लिए काफ़ी रहेगा, उसको आप 15-15 दिवस के अंतराल में आप उसको चला सकते हैं पानी, उससे भी अपना ये काफ़ी बचाव हो जाएगा। वो पानी में चला, पानी के अंदर साथ चला दो आप जमीन में, हमारे में चला दो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें वो घुलनशील मात्रा में होता है, उसमें कहीं दिक्कत वाली बात, वो फसल के लिए कोई नुकसानदेह भी नहीं है, वो एक एसिड है। और वो क्या काम करता है, मतलब जो आपने कहा कि उसकी कोशिका जो है वो जमती है, इसमें क्या करता है? इसके अंदर वो क्या करता है, गंधक का जो सल्फर होता है ना, इसके अलावा सल्फर एक ऐसी चीज होती है जो हमें क्या होता है, जो कोल्ड स्ट्रेस होता है उससे बचाती है, कोल्ड एंटी कोल्ड स्ट्रेस का काम करती है वो, ठीक है, वो जैसे अपने एंटीबायोटिक होता है वैसे कोल्ड जो चिलिंग स्ट्रेस बोलते हैं जैसे प्लांट पे जो एक साथ जो पड़ता है ना, उसके लिए एंटी मतलब एंटी चिलिंग इफेक्ट का काम करता है वो सल्फर, ठीक है, मुख्यतया, तो इसलिए सल्फर का उपयोग करना होता है। तो हम उसके अलावा सल्फर भी 8 से 10 किलो के लगभग सल्फर भी हम घुलनशील मात्रा में जो मिलती है उसका घोल बनाकर भी अपन सामान्य फसल में छिड़काव कर सकते हैं। सल्फर हमारी फसल के लिए वैसे भी आवश्यकता होती है, सरसों की फसल में जैसे तेल की मात्रा बढ़ानी होती है तो उसमें सल्फर ही कामयाब होता है, इसलिए अपन सल्फर फसल में काम में भी ले रहे हैं, तो वो भी हम अच्छा अधिक मात्रा में नुकसान तो नहीं है, अगर नहीं उसका कोई ज़्यादा नुकसान, ऐसा नुकसान नहीं होता है उससे, उसका तो सल्फर का छिड़काव जो है वो किया जा सकता है। अच्छा, दो
उपाय आपने बताए, और कोई ऐसा उपाय जिससे हमारे जो किसान भाई हैं अपनी फसल? इसके अलावा थायो यूरिया भी एक चीज आती है, यूरिया नहीं होती है वो, थायो यूरिया एक अलग कंपोजिशन तैयार किया हुआ है वो हमारी फसल में, उसमें भी सल्फर का कंटेंट होता है कुछ, उस वजह से वो फसल के लिए हमारे लिए वो एंटी चिलिंग इफेक्ट उसका भी होता है, वो भी हम उसके अंदर काम में ले सकते हैं। अच्छा, ये वो कोई कीटनाशक वाला सिस्टम तो नहीं है कि इसमें कोई मतलब केमिकल नहीं है, वो एक एसिड है, वो भी उसमें एसिड है। थायो यूरिया भी है, यूरिया की तरह इतना रसायन तो है वो, लेकिन वो हमारे फसल में फसल उत्पादन बढ़ाने वाला वो रसायन नहीं है कि हमारा पोषक तत्व का काम नहीं कर रहा वो। अच्छा। वो केवल अपना फसल को पाले से बचाने का कार्य करेगा जी, मतलब फसल पे कोई नकारात्मक कोई या उसको खाने वाले के लिए कोई कोई नकारात्मक प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ेगा। जो जैविक फसल पैदा कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, वो भी हाँ जैविक के रूप में ही काम आ रहा है वो जी। तो जैविक के रूप में आज हमारी जो मुख्य बात है वो वही है कि जैविक फसलों के ऊपर क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आपने जो है कुलदीप जी बताया कि जो सरसों हैं और चने पर, हाँ जी, गेहूं में भी यही करना है? गेहूं में हाँ, सेम सभी फसलों के लिए ये तो सामान्य है, इसमें कोई फसल विशेष का कोई कार्यक्रम, ये पाला एक सब सभी के लिए प्रभावी होता है, तो उस पाले के को बचाने के लिए हम ये उपाय, चाहे वो हमारी फ्रूट की फसलें हो, सब्जियों की फसल हो, बिल्कुल सब्जियों की सभी के लिए लागू कर सकते हैं हम। ठीक, उसके अलावा अगर हमारे पास कोई प्लास्टिक की अगर फिल्म उसमें ऊपर चढ़ा दें तो वो भी टेम्परेचर को 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम करने का काम करती है। अगर हमारे कुछ क्यारी लगा रखे, किचन गार्डनिंग कर रखा है, तो उसके ऊपर आप एक प्लास्टिक की अगर ब्लैक कलर की करते हो तो ज्यादा उचित है, वो आप उसके ऊपर एक लगा सकते हो, उससे भी अपना फसल के अंदर बचाव हो सकता है। अच्छा, दोपहर में धूप में हटा दीजिए और हटा दीजिए, लगा दीजिए। क्या एक दक्षिणी और पश्चिमी जो हिस्सा होता है वो हमेशा खुला रखना चाहिए, ठीक है, और उत्तरी हिस्से में हमें हमेशा किसानों के लिए राय है कि पौधे लगा देने चाहिए उत्तरी सीमा पर, तो आवश्यक रूप से, क्योंकि क्या होता है उत्तरी दिशा से ही सर्दी होती है, सर्दी ठंडी हवाएं आती है वो ज्यादा नुकसान करती है, और दक्षिणी दिशा इसीलिए खुली रखनी होती है क्योंकि दक्षिण पश्चिम दिशा से सूर्य की किरणें पूरी सीधी आएगी, तो इसीलिए दक्षिण पश्चिम सीमा खुली रखी जाए, उत्तरी सीमा को कवर करना चाहिए, उससे भी अपने फसल को पाले से बचाव किया जाता है, फायदा होता है। तो ये कुछ पाले के बारे में हमने बात की। और कुलदीप जी, इस समय सर्दियों में विशेष रूप से और क्या हमें जो सिंचाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है, या उसमें पानी में कुछ व्यवस्था कुछ और करनी है, या गोबर से संबंधित कुछ उपयोग लेना है, गोमूत्र का लेना कुछ है? नहीं, देखो आप इसमें क्या होता है कि जैसे गोबर की खाद अगर अपन पर्टिकुलर अच्छी तैयार की हुई लगे तो वो भी फसल के अंदर गर्माहट का काम करती है, तो वो फसल भी हम चला सकते हैं। आजकल एक नया पैटर्न चला है कि गोबर का जो घोल बना लो आप, उस घोल को छान के उसको फसल के साथ जीवामृत के रूप में, जीवामृत के रूप में काम ले, वो काम में ले लो, वो भी हमारे लिए बहुत बढ़िया उचित रहेगा। गोमूत्र का भी छिड़काव, गोमूत्र का छिड़काव उसके साथ मिक्स कर लो, उसी में मिला लो, गोमूत्र छिड़काव करो, एक छाछ होती है मट्ठा अपना बोलते हैं, जितना पुराना छाछ जितनी पुराना मट्ठा होगा वो उतने ज्यादा अपने फसल के लिए उपयोगी है। अच्छा, तो वो हम उसमें काम में ले सकते कर सकते हैं। क्या होता है कि आप जैसे एक 20 लीटर का ड्रम ले लो, उसके अंदर आप जितनी छाछ आपके घर में एक्स्ट्रा जो बचती है वो उसमें डालते रहो, एक साल अगर पुरानी है तो बहुत बढ़िया है, 2 साल पुरानी है तो उससे भी बढ़िया, उसके अंदर एंटी फंगल इफेक्ट आ जाते हैं, वो फंगस जो डिजीज लगती है जैसे अपने सरसों में एल्बुगा कैंडिडा से सफेद रोली रोग लगता है, ऐसे गेहूं में भी स्ट्रिप डिजीज होते हैं, अलग पत्तियां पीली पड़ जाती है, लाइनिंग धारी हो जाती है, ऐसा ही उसमें चना में भी इस तरीके का इफेक्ट आता है फंगस से। फंगस डिजीज बचाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ वो 1 लीटर वो मट्ठा ले, एक अपने जो 16 लीटर की जो स्प्रे होती है वो ढोलकी होती है, 10 लीटर पानी में 1 लीटर वो मट्ठा डाल के आप स्प्रे कर दो। अच्छा। आपके फंगस सारी वहीं पे कंट्रोल हो जाएगी। क्या बात है, बड़ा शानदार उपाय बताया, ये तो हमारे घर का ही उपाय है। हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन वो तो एक साल का बचा के आपको रखना है, जितना ज्यादा करोगे, जितना पुराना होगा उसके अंदर फर्मेंटेशन होगी, उतना बढ़िया एंटी फंगल इफेक्ट तैयार होगा, बढ़िया होगा, तो घर की दवाई हमारी तैयार हो जाती है। बहुत बढ़िया उपाय आपने बताया। तो इस प्रकार के उपाय आप जैविक फसलों के लिए कर सकते हैं और घरेलू उपाय हैं, और गोबर गोमूत्र का जैसे कुलदीप जी ने बताया ये उपयोग किया जा सकता है। तो आप फील्ड में कुलदीप जी जाते हैं, किसानों को आप ये उपाय बताते हैं, कितना फायदा महसूस होता है? बिल्कुल, किसान जो किसान क्या होता है कि सारे किसान जो बता पाते हैं वो सारे इंप्लीमेंट नहीं करते, इतने इनोवेटिव नहीं है, हमारे लेगार्ड्स टाइप की प्रकृति रहेगी अपने यहाँ राजस्थान की कह सकते हो, बाकी अगर हम 100 किसानों को प्रशिक्षण देते हैं उसमें से 10 किसान अगर इस टाइप के हमें तैयार होते हैं कि हाँ हम आप द्वारा बताई गई जो विधि है वो हमने काम में ली, हम उनको दोबारा उसका निरीक्षण भी करते हैं, सत्यापन करते हैं भी हाँ वास्तविकता में इस किसान के ये फायदा हुआ है कि नहीं हुआ। और ये बात मैं कुलदीप जी से इसलिए कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें प्रैक्टिकल खुद करके देख के आते हैं, बिल्कुल कोई किताबी बात नहीं है,
सारा किसानों के बीच में जाके उन्हीं से सीख के आप भी किसानों से कुछ सीखते होंगे। किसानों से सीखते हैं हम जाके, जैसे क्या होता है हम किसान को हमेशा सलाह देते हैं कि आपके अगर 10 बीघा में आपने ये काम कर रहे हो, आप 1 बीघा में तो हमारी इस विधि को काम में लो, बाकी 9 बीघा में अपना खुद का करो, अगले वर्ष किसान वो स्वयं पूरी 10 बीघा में हमारे वाली जो पद्धति है वो लागू कर देता है जी। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात है कि किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और अभी सर्दी का थोड़ा पाले का समय है, इसलिए पाले की हमने विशेष रूप से बात की है, बाकी अदर उपाय भी जो है यहाँ पर कुलदीप जी ने बताए हैं। आप विशेष ध्यान रखिएगा, खेती जो है एक बार गई तो गई, उसके बाद में वापिस आने वाली नहीं है, तो पहला बचाव ही उपचार है, तो बचाव करिए। और हमारे किसान एक एक रात को कितनी मेहनत से उस अनाज को बचाते हैं, तो हमारे देश के वासियों से कहेंगे कि जो जैविक खेती वाली जो चीज़ें हैं उन किसानों को भी मजबूत करिए, जो आर्थिक रूप से मजबूत हो और हमारे राष्ट्र को मजबूत करें। कुलदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी बात है कि अब मेरे साथ ही मनोज स्वामी के साथ मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनित्य टीवी के लिए नमस्कार।